good morning and welcome back to my vlogs. So here's your shadow. So आज मैं थोड़ा ज़्यादा वाला happy हूँ. इतनी खुशी मुझे आज तक. अबे रख रख. क्योंकि मेरे चल रहे थे guys exams और मैंने कोई vlog नहीं डाला. तो आज फाइनली एग्जाम्स हो गए खत्म और अब मैं हो गई हूँ फ्री कुछ टाइम के लिए जब तक मेरे फाइनल एग्जाम्स नहीं आते. सो अब मैं व्लॉगिंग करूँगा जैसे जैसे वैसे होगी. और आज मैं स्कूल नहीं गई. एग्ज़ाम ख़त्म हो तो एक छुट्टी करना बनती थी तो मैं स्कूल नहीं गई. और अब मैं सुबह उठ के हूँ और आज मैं अंदर रूम से नहीं आज मैं बाहर बैठ के अपनी प्यारी सी बाइक के पास व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ और थोड़ी थोड़ी सी सन बात ले रही हूँ क्योंकि ठंडी हो गई है जैसे आप सबको पता ही है. हाँ यार आप लोगों को नहीं बताऊँगा कि यार मैं क्या बोलती रहती हूँ. मुझे कुछ समझ नहीं आता जो मुँह में आता मैं फेंक देती हूँ. ठीक है तो आज मेरे को मतलब कि मैं आज किसी कंटेंट से व्लॉग नहीं स्टार्ट किया ऐसे ही एम ही स्टार्ट कर दिया. आपको पता ही आपकी शेडो एम ही कर देती है स्टार्ट. तो मैंने एम ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया है. तो देखते हैं कि आज दिन को क्या क्या होता है. तो अब मैं उठ गई हूँ तो अब मैं पहले जाऊँगा फटाफट से नहाऊँगी. उसके बाद जो थोड़ी यूनिफॉर्म वगैरह वॉश करनी है फिर उसके बाद आज पढ़ूँगी तो मैं बिल्कुल कम क्योंकि बहुत पढ़ा मैंने यार कसम से. सुबह उठ के पढ़ो सोते पढ़ो मतलब बहुत पढ़ा मैंने पेपरों में. तो आप थोड़ा मैं इंजॉय करना आज तो चिल मारना पूरा दिन. ठीक है तो चलो आज जो पंगे करेंगे सारे रिकॉर्ड करते हैं. तो फटाफट से चलो काम ख़त्म करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ. गाइस ये आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है धनिया जो मेरी मम्मा ने लगाया है. मुझे एक चीज़ मिल गई आपको बताने के लिए. तो ये देखो कितना प्यारा प्यारा हो गया. देखो आपकी मम्मा ने तो कभी लगाया नहीं होगा आपने तो कभी धनिया देखा नहीं होगा इसलिए आपकी शेडो आपको बता रही है. ये होता है धनिया और ये होता है उसका क्या बोलते हैं उसको पपाया का पेड़. छोटा सा हो गया ये बड़ा बड़ा सा होगा फिर इसमें पपाया लगेगी. और वो है हमारे प्यारे प्यारे फूल. ठीक है आपने तो कभी लगाए नहीं होंगे तो इसलिए आपकी शेडो बता रही है आपको. चलो गाइस अब मैं गई थी मैं सोचा चलो फटाफट से फ्रेश हो जाते हैं. बट मम्मा ने कहा कि ये लो ये खा लो तो मैंने ब्रश किया और हम ये खा लेंगे. इसको बोलते हैं खीर. किसकी खीर होती है ये सेमियों की खीर. फटाफट से खाते हैं. चलो गाइस मैं हो गई हूँ फ्रेश और हो गया हूँ रेडी शेडीज. आज मैंने पहनी है नई शर्ट जिसमें छोटा छोटा प्रिंट है बहुत अच्छी लगी. सो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और टाइम हो गया है 12 बज गया. मतलब अब मैं ब्रेकफास्ट क्या ही करूँगी. वो जो मैंने खाया था थोड़ा सा खीर सी तो उसके बाद मैंने काम वगैरह किया. अब मैं जा रही हूँ खाना खाने. लंच ही हो गया एक किस्म का. तो चलो फटाफट से खाना खाते हैं. बहुत ज़्यादा भूख लगी है बहुत ज़्यादा. आज खाने में मिला क्या मतलब मैंने खुद ही किया. मम्मा तो चली गई थी वो भी मैं बताती हूँ कहाँ गई है. तो ये मिली आज गोभी और आलू की सब्जी साथ में रोटी और कॉफ़ी क्योंकि ठंड लग गई है यार तो मैं ये पी रही हूँ. तो चलो यार आज मैं खाना खाते खाते आपसे थोड़ी गपशप करती हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों बाद शैडो फ्री हुई है क्योंकि मेरे चल रहे थे भाई एग्ज़ाम. तो काफ़ी दिनों बाद फ्री हुई हूँ मैं और मैं पेपरों की फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा. ठीक है तो यार पता है क्या आज मैंने भी कहीं जाना था बट नहीं गई. शैडो के साथ कुछ बुरा ना हो पूरे दिन में ऐसा हो सकता है कभी नहीं. सो यार बात यह है कि मेरी फ्रेंड है जो उसके घर था आज एक फंक्शन. ठीक है तो उसने फ़ोन किया उसके पापा ने भी फ़ोन किया जो उसके पापा वो मेरे पापा फ्रेंड हैं. ठीक है तो उन्होंने फ़ोन किया तो मेरी फ्रेंड ने भी फ़ोन किया. मेरी मम्मा को साइकिल किया लेकिन मेरी मम्मा मेरे को नहीं लेगी यार देख रहे हो कितने नाइंसाफी रहे. अब जब मम्मा ब्लॉग देखेगी ना उसके बाद मुझे जितने जूते पड़ेंगे मुझे नहीं पता पर ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि यार मुझे दुख लगा यार पता मैं उसको कितनी देर से नहीं मिली. मुझे मिलना था उसने इतना बोला मैं नहीं गई हूँ. एक अलग से वो नाराज होगी और जो मैं आपको सुना रही हूँ मम्मा से जूते अलग पड़ने वाली है. आज घर पर मैं और मेरा भाई है और उसका कल एग्ज़ाम है तो मैंने उसको थोड़ा पढ़ाना भी है और चिल भी करना है क्योंकि मेरे तो ख़त्म है ना यार. मैंने खाना खुना खा लिया और उसके बाद मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाई और टीवी भी नहीं देखी. फिर थोड़ा सा अपने भाई को पढ़ाया क्योंकि उसका कल है एग्ज़ाम. मेरे तो ख़त्म हो गया बट उसके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं. और मैंने कुछ भी नहीं किया. क्या करना था बोर हुई हूँ आज मैं पूरा दिन बोर हुई हूँ पूरा दिन. ना कुछ बोलने के लिए मिल रहा था ना कुछ करने के लिए मिल रहा था तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया.
अब शाम हो गया, 5 बजने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं। सो आज मैं थोड़ी सी अपनी जो ज़मीन होती है, ज़मीन आपको पता ही होगा, शहर लोगों को भी पता ही होगा, गांव वालों को भी पता होगा, तो आज मैं काफ़ी देर बाद 5-6 महीने बाद इस साइड जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल चाल है इधर का, क्या ही माहौल चाल होगा यार। पहले हम बहुत ज़्यादा होते थे, पर इधर अब कोई जाता ही नहीं है, तो मैं जा रही हूँ ऐसी जस्ट चिल कर रहे हैं। चलो चलते हैं गाइस। यहाँ हो रहा है अब सनसेट होने वाला है, बस देखो क्या मस्त लग रहा है सन हाथ में आ जा रहे बाबा, ये कितना सही लग रहा है सन, है ना, कितना ऑसम लग रहा है, ऑसम, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। गाइस ये खुराफात सी बातें मेरे दिमाग में तो चलती रहती हैं, और मैं जो आता आपको बोल देती हूँ, बक देती हूँ। तो मैं बोलने जा रही हूँ कि यार आजकल ट्रेंडिंग में क्या चला हुआ है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और ये वीडियो बनी कहाँ से, ये भी आप सबने देखी होगी, जिसने नहीं देखी है तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। एक लड़की थी, पता नहीं उस शोरूम के लिए कुछ ब्लैक कलर ऑरेंज कलर ड्रेस बता रही थी, उस पर उसने बेचारी ने वीडियो बनाई और ये इतनी वायरल हो गई, इतनी वायरल, हम लोग मर जाते हैं कंटेंट ढूंढ ढूंढ के, वीडियो बना बना के, लोकेशन सेट करो, ये करो वो करो, मर के 1000 व्यूज नहीं आते फिर भी, क्या भाई। अब हम भी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे रेंडम सी चीज़ बोलें ताकि वो भी वायरल हो जाए, क्या यार क्या मतलब, वाओ वाओ वाओ, जिधर देखो उधर वाओ। अच्छा वाओ तो चल ठीक था, उसके बाद और लोगों ने जो जो बना दिया जोड़ के, पता नहीं क्या क्या बदनाम हुआ, मतलब कि एक वर्ड बस थोड़ा सा वायरल होना चाहिए, कुछ ना कुछ बना देते हैं लोग उसका। अब मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या बनाऊँ, मैं क्या वायरल करूँ, मुझे कुछ दिमाग में नहीं आता ऐसा, इतनी खोपड़ी नहीं है मेरे पास, इतनी डल है आपकी शैडो, पर कोई बात नहीं, अपना टाइम भी आएगा आएगा। यहाँ पर मैं आके बैठी थी, इस जगह पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, मैं सोचती हूँ जहाँ जिस जगह मेरा घर है ना उसी जगह इस जगह घर होता, कितना अच्छा लगता पता है। पर यहाँ हाँ एक चीज़ है कि यहाँ सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, और अब शाम पड़ गई, मेरे स्वेटर भी नाली बहुत ठंड लग रही है, पर यार जो सुकून यहाँ पे है ना, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों टाइम ही नहीं मिलता यार आने का, तो पहले मैं बहुत आता था, पर इस जगह का जो सुकून है ना, क्या सुकून है जीवन, पता नहीं, शांति है ना, पर मैं शांति को भंग करने आती हूँ। वो सुकून मिलता है यार यहाँ पे बैठ के। हाँ मैं यहाँ जब मेरे दादू होते थे उनके साथ आती थी, पर अब दादू ही नहीं, कोई बात नहीं। गाइस देख रहे हो चंदा मामा कैसे कैसे ज़्यादा ज़्यादा ब्राइट हो रहे हैं, वाओ। वैसे ये भी कितना वो है ना, कितना स्ट्रांग है, पूरे आसमान में अभी अकेला चमक रहा है। प्यारा प्यारा चांद, पता है चांद से बातें करने में और जो तारों से बातें करने में मज़ा आता है ना, वाह यार ये मज़ा तो कहीं है ही नहीं। ये तो मैंने देखा, ये देखो ये दो छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हो, झूले झूले। क्यों झूल रहे आप झूला, गोल गोल घूमने झूले से। ये देखो ये लड़की क्या कर रही है, क्या कर रही है लड़की, अगर ये गिर जाए तो फिर, ये क्या कर रहे हो आप, बड़ी बड़ी प्यारी लग रही हो, बड़ी प्यारी लग रही हो, गिर जाओगे, गिर जाओगे यहाँ से। ये देखो भाई क्या जिंदगी है, ये भी बीच चौक में चोर पकड़े गए, ये देखो गाइस, गाइस देखो, चल आजा, अरे 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 गाइस देखो, चल 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 गाइस, को बोल मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मैं आए 500 ब्लॉग दिखा दे ब्लॉग। हां देखो गाइस क्या बोल रही हूं, बोल तू, बोल ना, मैं क्या बोलूं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, किसका, तूने बनाया गाइस, देख सकते हैं छपरी लोग भी व्लॉगिंग करते हैं। वो देखो वो हमारा चंदा मामा जो दिन में दिख रहा है, और यहाँ हमारा सूरज चाचू जो पेड़ों के पीछे छुप गया और ये अपने घर जा रहा है, इसको करते हैं बाय बाय, लव यू, और इसको करते हैं वेलकम वेलकम। वहाँ से घूमती घूमती मेरी दुकान पे, और मैंने इलायची दी जो हम खाएंगे, क्योंकि आज इनको मैंने कुछ भी नहीं खाया, खाली खाना खाया था, जो मैं इसको नहीं देने वाली। अब हम ये खाएंगे, ये वाले चिप्स टेस्टी होते हैं, अच्छे लगते हैं तेरे को, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं, गाइस आप भी खा ले लो।
ये ऐसे खाते हैं, अपने सूर्य खाते नहीं देखा होगा, देख लो। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा तेरा प्यार है जा तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। गाइस हम लेटर पटर कर कर के बेले हो गए और दिन हमारा आज का हो चुका है एक और वेस्ट, निकल गया एक दिन जिंदगी का और कुछ भी नहीं किया आज मैं अपने दिन को। जैसे कि आपको मैंने सब बताया जो जो मैंने किया, मेरी आदत है मैं बताती हूँ, मैंने इसलिए तो व्लॉग स्टार्ट की कि आप मेरी ज़िंदगी में जानो कि क्या हो रहा है। और ये हमारा भाई जिसका कल पेपर है, इसको सारे ऑल दी बेस्ट बोल देना ताकि पास हो जाए, ये तो मेरी बेइज्जती करवा देगा, तेरी बेइज्जती होगी, ये पता नहीं है। चलो ठीक है, और मम्मा और भी आ चुके हैं, तो हम यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं। आई होप कि आपको हमारे आज के कारनामे पसंद आए होंगे, अगर आपको हमारे कारनामे पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और शेयर ज़्यादा ज़्यादा करना और सब्सक्राइब भी ज़्यादा ज़्यादा करवाना ताकि और भी लोग हमारे कारनामे देखें। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।